अभी यूएन का रिपोर्ट आया है कि अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की थी, अब भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी बन गई है। मेरा स्पष्ट कहना है, बड़ी हुई पॉपुलेशन मुस्लिम जनसंख्या और बर्थ रेट के कारण है। इस समय देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, उनका अर्थ हिंदू की संख्या घटना शुरू हो गया है। तो देश की बढ़ी हुई जनसंख्या में अब हिंदुओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.8, अर्थात पति पत्नी दो, उनके बच्चों की संख्या 1.25 है। मानी 142 करोड़ होने में हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और देश में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4 है। मानी पति पत्नी दो मुसलमान 2.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब यह देश में पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब इज क्लिकिंग इन एवरी विलेज। अब भारत के हर गांव में पॉपुलेशन बॉम्ब लग चुका है। जब फूटेगा तब जैसे बॉम्ब से अनेक लोग इंजर्ड होते हैं, मारे जाते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब सबसे ज्यादा हिंदुओं को हर्ट करेगा। और अगले 15-20 वर्ष में पॉपुलेशन बम्ब का दुष्प्रभाव असम में सबसे पहले दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना से लेकर आज तक का एक एजेंडा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। असम के लिए मेरी दूसरी मांग है, डीएनए टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ के इन्फिल्ट्रेटर को विद इन ए 6 मंथ आइडेंटिफाई करो। कैसे करेंगे? 1951 का जो वाटर लिस्ट है उसमें जो मुसलमान थे वह आज नहीं रहेंगे, उनके बेटे या पोते होंगे। असम के मुसलमानों को कहा जाएगा कि 1951 के वाटर लिस्ट में जो थे वह आपके रिश्तेदार हैं, तो नाम बताओ, फिर उनके साथ उनका डीएनए टेस्ट होगा। ये दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिनका टेस्ट होगा वह इंडियन, बाकी सबको आइसोलेशन कैंप में भेजे जाए। पूरे देश में हम यह डिमांड को लेकर 45 करोड़ हिंदुओं को टेलीफोन करने वाले हैं।